नमस्कार, आप देख रहे हैं अंधेशक न्यूज़, जो है आपके संघर्ष का साथी। दोस्तों, यहाँ पर अंधेशक सत्याग्रह को लेकर आज से अनिश्चितकालीन सत्याग्रह कार्यक्रम शुरू हो चुका है, जिसका आह्वान विक्रम सिंह के नेतृत्व में अंधेशक संघ द्वारा कर दिया गया है। और ये इको गार्डन मैदान है, यहाँ पर मनवर सिंह काशीराम जी ग्रीन इको गार्डन पार्किंग स्थल, यहाँ पर कार्यक्रम स्थल है। और यहीं पर ये धरना 27 से शुरू रहेगा। क्या फायदा और खुद को बिजली गिराने से क्या फायदा? और सामने आओ योगी जी, सामने आओ योगी जी, दो दो बातें करे, आपको दुल्हन सजाने से क्या फायदा है? दुल्हन सजाने से क्या फायदा? आप देख रहे हैं यहाँ पर इको गार्डन में अंधेशक का अनिश्चितकालीन सत्याग्रह का आंदोलन कार्यक्रम शुरू हो गया है, जिसमें आज पहला दिन है। और पहले दिन हजारों की संख्या में लोग टोपी और तख्ती लेकर अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए मौजूद हुए हैं। आप देख सकते हैं ये हुजूम उन लोगों का, जो 10 साल से लगातार यूपी बेसिक स्कूलों में अंधेशक पद पर कार्यरत हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर महिलाओं की संख्या भी बिल्कुल बराबर की है, छोटे छोटे बच्चों को साथ में लाए हैं इस कड़कड़ाती हुई ठंड में, इस कोहरे घने कोहरे में इस तरीके से ये लोग यहाँ पर संघर्ष कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ साथी है, उनसे भी आग्रह करेंगे कि आप मंच पे आए। उत्तर प्रदेश का कुशल संचालन नेतृत्व कर रहे हैं हमारे बड़े भाई विक्रम सिंह जी। आप सभी से आग्रह करेंगे, कृपया प्लीज सभी लोग सहयोग करें और सभी लोग Thank you.
माइक नहीं सही है सर, माइक नहीं सही है सर। सर्वप्रथम तो आपको एक जगह बैठ जाइए, सभी साथियों को एक दूसरे से मुखातिब होने दीजिए। आप अपनी समस्या का हल कराने के लिए आए और इतने भीतर जाने में घर परिवार छोड़ करके इस भीतर ठंड में लखनऊ के एक ग्रामीण में आए हैं, एक आशा और उम्मीद लेकर आए हैं कि आपकी समस्याएं जो सरकार और प्रशासन नहीं सुन रहा है, आज भाई विक्रम सिंह जी के जनता में दिए जा रहे धरने के माध्यम से आप अपनी बात कहने के लिए आए हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार और प्रशासन तक आपकी समस्याएं पहुंचे। आज इस कार्यक्रम में आदरणीय विधायक जी, हमारे उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मिशन के प्रांतीय अध्यक्ष आदरणीय शिव कुमार शुक्ला जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष रंजन मिश्रा जी, प्रदेश मंत्री अर्जुन वर्मा जी, हरिनाम सिंह जी और अनुदेशक संघ के समस्त हमारे पदाधिकारी एवं भाइयों बहनों, साथियों, शिक्षा मित्र और अनुदेशक की समस्याएं एक है, कहीं पर आरंभ नहीं है। हमेशा विक्रम सिंह जी से बात होती रहती है। आज की जो समस्या है वही हमारी है। हमारी सिर्फ एक मांग है कि शिक्षा मित्र और अनुदेशकों को नियमितीकरण किया जाए। नियमित किए गए और नियमित वेतन मिलना चाहिए। 9 बजे स्कूल पहुँचते हैं
और 3.5 है तो वही काम यही वो चल रहा है। अभी सदन में एक जवाब आया था सरकार की तरफ से, शिक्षा निदेशक का कार्य है शैक्षिक कार्य करना। हम लोग शैक्षिक कार्य करते हैं तो शिक्षक क्या करते हैं? उनकी भी तो नियुक्ति शैक्षिक कार्य के लिए ही हुई है। जब वो शैक्षिक कार्य करते हैं और हम भी शैक्षिक कार्य करते हैं, बराबर काम करते हैं। हम लोग जनगणना भी करते हैं, गणना भी करते हैं, पोलियो भी चलाते हैं, सारे काम करते हैं, पीएलओ का काम करते हैं। बीमार होता है तो उनको मेडिकल की सुविधा मिलती है, तो शिक्षा में तो उन देश क्या इंसान नहीं है क्या वो बीमार नहीं होता है? आप उनको छुट्टियां देते हो क्या? हमको छुट्टी नहीं चाहिए? अरे ये तो एक मानसिक रूप से आपको सोचना चाहिए इंसानियत के नाते, वो भी इंसान है और हम भी इंसान है। जो नेचुरल समस्या है उनकी, वो समस्या तो आपको दूर कर देनी चाहिए। मान दे आप एक अध्यापक को 50,000 से 80,000 1,00,000 तक वेतन दे रहे हो, वही काम हम शिक्षा में निदेशक कर रहे हैं और हमको 8,000 से 10,000 रुपए काम दे रहे हो, ये कहाँ का न्याय है? सुप्रीम कोर्ट में कहता है कि समान कार्य का समान वेतन होना चाहिए। साथियों, आप लोग आज भारी तादाद में आए हैं और लगातार आपके कार्यक्रम के लिए विक्रम सिंह जी मेहनत कर रहे थे, और ऐसी सरकार तो हमने पहली बार देखा है मित्रों, जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानती। ऐसी सरकार और शासन हमने पहली बार देखा है। हम लोगों का समायोजन रद्द हुआ, आपने दो दिन में हमको बाहर कर दिया। अरे हमारे शिक्षा में जो चेक पास है उनको तो आप रहने देते, क्यों नहीं रहने दिया आपने? अनुदेशकों का मानदेय 17,000 करने का हाई कोर्ट की सिंगल बेंच डबल बेंच और सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश फिर भी आप नहीं कर रहे हो, ये क्यों हो धर्मता दिखा रहे हो आप? और दीजिए 17,000 मानदेय, अरे 18,000 से कम तो मानदेय होना ही नहीं चाहिए। ये तो आपका एक नैतिक अधिकार है, हमारा आपका नैतिक अधिकार है, लेकिन हमारी एक मांग है विक्रम सिंह जी, हम किसी पटल पे बैठेंगे तो एक मांग करेंगे कि शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों को नियमित किया जाए, नियमित करिए। कुमार शुक्ला विक्रम सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद। कुमार शुक्ला विक्रम सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद। कुमार शुक्ला विक्रम सिंह संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। आपको जिस दिन स्थायी कर दिया जाएगा, आपको मेडिकल सुविधा भी मिलेगी, आपको अवकाश भी मिलेगा, आपके बच्चों के भविष्य के लिए सीसीएल से लेकर के सारी सुविधाएं मिलेंगी। इसलिए एक मांग, एक समान, समान कार्य समान वेतन और नियुक्तिकरण किया जाए। साथियों, लड़ाई को कमजोर नहीं होने देना है, एक एक जिले से एक एक साथी को बुलाइए और जब तक आपकी मांग मानी न जाए तब तक इनको गार्डन को मत छोड़िए, हम आपके साथ हैं। हम लोग भाई भाई है, एक छोटा भाई एक बड़ा भाई है, दोनों की समस्याएं समान है, दोनों की मांगे समान है, हम सबको एक साथ लड़ना। आप लोग इतने जाने में आए हैं, बहुत ही आपको हम धन्यवाद देते हैं। और कहा गया है कि सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज होते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों ने राह बनाते हैं। जो लोग खड़े रहता है उनको बुलाइए और इको गार्डन को तब तक मत छोड़िए जब तक आपका सपना देश समान का समान वेतन का ना हो जाए। जिंदाबाद, जिंदाबाद। विक्रम सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जय भारत, जय अनुदेशक शिक्षा मित्र। महसूस किया जब भी अनुदेशकों की कोई समस्या को लेकर आपके पास फोन करता, चाहे वो रात को 11-12 बजे भी गुस्ताखी कर जाता, लेकिन आप उसी प्यार से उस समस्या को सुनते और हमेशा सही दिशा निर्देश देते, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आदरणीय सुशील यादव जी। इसी कड़ी में हम बस्ती के बस्ती जनपद से रहने वाले और शिक्षा मित्र संगठन के प्रदेश के कोषाध्यक्ष आदरणीय रमेश मिश्रा जी को आमंत्रित करेंगे कि आप आवे और हम सबको अपना आशीर्वचन दे। आदरणीय रमेश मिश्रा जी।
धन्यवाद भाई विक्रम जी। आज इस इको गार्डन में जितने भी हमारे साथी उपस्थित हैं सबको भी अतोषित प्रणाम और अभिवादन करते हुए ज्यादा समय नहीं लूंगा। एक चीज कहूंगा, अगर आप निकले हैं तो इस रास्ते को जैसे आपने बनाया है सब लौटिएगा। जब आपकी मंजिल प्राप्त हो जाए सब लौटिएगा, अन्यथा आप लोग लौटिएगा नहीं। विक्रम जी से हमारी बातें बराबर होती रहती है, आदरणीय अध्यक्ष जी की बातें होती रहती है, ये कहने की बात नहीं है। मैंने कल भी आपसे कहा था, मेरी मुलाकात हुई थी, मैंने कहा था आप चलिए आप बैठिए रात में दिन में एक दिन दो दिन दस दिन पंद्रह दिन बीस दिन एक महीने दो महीने जब तक आपकी समस्या का समाधान नहीं होगा ये भाई आपके साथ हमेशा बैठा मिलेंगे आपको। ये कहने की बात नहीं है, ये करने की बात है। इस कार्यक्रम के आयोजक भाई विक्रम सिंह जी, इस कार्यक्रम में हम लोगों के साथ उपस्थित आदरणीय पूर्व विधायक भदोही, वर्तमान विधायक भदोही, जनता दल यूनाइटेड से आदरणीय शालिनी पटेल जी, हमारे साथ चलकर के आए महामंत्री सुशील जी, अरविंद जी, रमेश मिश्रा जी, अनुदेशक एसोसिएशन के सभी साथी और आपके इस कार्यक्रम को संयोजन में लगी जन जन तक पहुंचाने के लिए यहां उपस्थित है प्रज्ञा मिश्रा जी व सभी इलेक्ट्रिक प्रिंट मीडिया के साथी सुरक्षा कर्मी सभी का मैं इस कार्यक्रम में हार्दिक वंदन अभिनंदन करते हुए स्वागत करता हूं। और अपने उन साथियों का भी स्वागत करता हूं जो अपने घर पर बैठ करके आपसे फोन पर ये पूछ रहे हैं कि क्या हुआ। अभिनंदन करता हूँ और इस मंच से मैं उनको आवाज देता हूँ कि भैया थोड़ा रजाई छोड़िए, चाप करके इस इको गार्डन में आइए और लोगों का हौसला आगे बढ़े।